नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। सो 14 जून आ चुकी है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था यूएस के रिगार्डिंग, जो मेरी वीडियो थी, आप देख सकते हैं कि यूएस काफी पॉजिटिव होने वाला है स्टूडेंट के लिए। राइट नाउ अपॉइंटमेंट को लेकर जो आज की अपडेट है वो डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और यूएस स्टूडेंट वीजा को लेकर कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9041090410। सो 14 जून हो चुकी है, मंडे आ चुका है, आज से अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो रही है। बुकिंग आप कर सकते हैं जून से, क्योंकि हाई कमीशन ने लास्ट वीक ही अपडेट कर दिया था कि नाउ ऑनवर्ड वो जो है 14 जून से अपॉइंटमेंट स्लॉट देने शुरू करेंगे स्टूडेंट के लिए। और ये थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट के लिए होगी, ऐसा नहीं है कि कोई 100-200 मिलेंगे। हर जो इनके सेंटर होते हैं, वैसे हाई कमीशन के सेंटर होते हैं, वहां की अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी। लेकिन अभी शुरू में आपको, अगर काफी बच्चे चेक करेंगे उनको हो सकता है, क्योंकि स्लॉट जो है डे वाइज खुलते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 महीने के इकट्ठे खुल जाएंगे, थोड़े लिमिट वाइज वो स्लॉट छोड़ते रहते हैं और उसके बाद आप स्लॉट बुक करते हैं तो नेक्स्ट स्लॉट अवेलेबल हो जाते हैं। तो शायद अभी आप चेक करें तो काफी बच्चों को लगे कि अभी स्लॉट अवेलेबल नहीं है, किसी ने बुक कर लिया, मेरे पास स्लॉट नहीं है, क्या करें। तो यहाँ पे मैं बता दूं, उन्होंने कहा था स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होगी और जो स्लॉट आपको मिलेंगे वो जून के मिलने की पॉसिबिलिटी कम है, आपको जुलाई फर्स्ट वीक से अवेलेबल दिखेंगे। सो वहां कंफ्यूज नहीं होना कि मैं थोड़ा रुक के देखता हूँ, शायद पहले का स्लॉट मिल जाए। जो भी स्लॉट अवेलेबल होता है, अगर आपने खुद लगाई है या आपके कंसल्टेंट ने लगाई है, जो भी स्लॉट यूएस का अवेलेबल होता है, मेरी एडवाइस है आप उसको पिक कर लें। और हाई कमीशन ने पहले भी क्लियर कर दिया था, पहले क्या था कि ऑटोमेटिकली आपको जो था रीस्केड्यूल कर दी जाती थी आपकी अपॉइंटमेंट, आपको ऑप्शन आया था, अब आपको मैनुअली खुद ही रीस्केड्यूल करनी पड़ेगी। सो ऐसी उम्मीद ना रखें कि अपने आप आपको रीस्केड्यूल का ऑप्शन जो है आ जाएगा, आपको खुद ही लॉगिन में जाके वहां जाके रीस्केड्यूल करनी पड़ेगी। और स्लॉट जो है शुरू में थोड़ा सा रश रहने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे हैं और हर कंसल्टेंट हर बच्चा लगा हुआ सिस्टम पे बैठा कि आज से स्लॉट मिलने, तो जल्दी जल्दी स्लॉट बुक कर लें। तो हो सकता है कि सिस्टम भी एरर दे, सिस्टम की वजह से भी आपको आज कोई दिक्कत आई हो, एंड ये भी हो सकता है कि अभी आपको स्लॉट शायद ज्यादा अवेलेबल भी ना हो, क्योंकि मैंने इसका रीजन पहले आपको बता दिया। लेकिन यूएस अगर ओवरऑल बात करेंगे तो काफी पॉजिटिव रहने वाला है जब हम वीजा की भी बात करते हैं। जी हाँ, जो जो बाइडन जो गवर्नमेंट है, जो वहां के न्यू प्राइम मिनिस्टर आए हैं, बाइडन ने क्लियर कहा था कि हमने जो है जो यूएस है उसकी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है उसको हमने रिफॉर्म करना है, उसको हमने थोड़ा इजी करना है। सो पहले ट्रंप गवर्नमेंट थी वो इमिग्रेंट को लेके काफी ज्यादा नेगेटिव थी, जैसे इसके ऊपर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं देते थे, इवन कि कईयों को उन्होंने वोट किया था बाद में, सभी को पता है क्या हुआ था 4 साल में। सो अभी क्या है कि जो नई गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर फोकस्ड है कि एक तो स्टूडेंट का जो उनका टेक होता है, जो उनका हिस्सा है स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट का, उसको वापस गेन किया जाए, जो कि कैनेडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी बॉर्डर नहीं खोले, लेकिन यूके और कैनेडा के लिए तो जा रहा है। और उसके बाद सेकंड फोकस है कि जो हाईली स्किल्ड बंदे हैं H1B वीजा, वो भी वो इशू करना ग्रांट करेंगे और इस पे स्पीड अप होगा सिस्टम, क्योंकि देखिए स्किल्ड बंदे हर कंट्री को चाहिए। ये अलग बात है कि पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं कि उनके लोकल कहते हैं हमारी जॉब्स ले रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई किसी की जॉब नहीं लेता। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपकी जॉब कोई नहीं ले सकता, आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। सो ये अलग मुद्दा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो भी यूएस जाने का सपना देख रहा था 6-8 महीने पहले, उसको लगता था कि पुरानी गवर्नमेंट है वो सीरियस नहीं है तो अभी कोई फायदा नहीं है, वो यूएस को लेके सीरियस हो जाए। ये 3-4 साल यूएस जो है, जब तक प्रेजेंट जो उनके जो मिनिस्टर हैं वो रहेंगे, तब तक सीधा सीधा सिस्टम है यूएस बहुत पॉजिटिव होगा। और ये डिफरेंस आपको वीजा ग्रांट के ऊपर भी दिखेगा, क्योंकि थोड़े से, मैं नहीं कहता कि आंखें बंद करके वो वीजा दे देंगे, लेकिन थोड़े से लीनियंट वो होंगे, जो पहले था कि डिजर्विंग कैंडिडेट को भी रिफ्यूज किया जा रहा था, इसलिए यूएस के एप्लीकेशन लगनी कम होगी, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट भी कम होगी। अब दोबारा से पुराना यूएस वापस आएगा, एप्लीकेशन भी लगेगी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन लगेगी, तो नंबर ऑफ वीजाज भी ग्रांट होंगे। ये आपको डिफरेंस दिखेगा सितंबर डे की एप्लीकेशन की, जब अपॉइंटमेंट मिलनी शुरू होनी है अब धीरे धीरे, तो आपको सितंबर के आसपास, अगस्त के आसपास इसका फीडबैक दिखेगा कि करंट गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है। तो अभी भी सितंबर के ऑप्शंस अवेलेबल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, I-20 अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफी यूनिवर्सिटी आपको ईमेल में भी I-20 भेजेगी, जैसा कि वैसी निकालती वो एक्सेप्ट करेगी। सो बाकी डिटेल के लिए आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 9041090410। सो नई अपडेट लेके फिर से हाजिर होंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।